नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। मॉयल लिमिटेड जो कि है मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और इन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली है। तो यहाँ पे देखिए मॉयल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। सो अगर जिसको नहीं मालूम है मॉयल क्या है, तो मॉयल जो है फॉर्मली इसको बोलते थे मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, जो कि शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी वन पीयूसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मॉयल क्या है, एक लार्जेस्ट मैगनीज ओर प्रोड्यूसर इन द कंट्री है, जो कि 11 माइंस ऑपरेट करती है, जो कि स्प्रेड है महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। और मॉयल ने एक प्लांट सेटअप किया है इलेक्ट्रोलाइट मैगनीज डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि ड्राई बैटरी सेल बनाता है। तो यहाँ पर मॉयल का इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो मॉयल जो है वो इनवाइट करता है एप्लीकेशन फ्रॉम यंग वाइब्रेंट एंड डायनेमिक कैंडिडेट्स जो मॉयल के साथ ग्रो करना चाहते हैं फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड। सो आपको ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है और जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट ट्रेनीज़ है एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज़ है और इसकी डिफरेंट डिसिप्लिनस दी गई है जो हम नीचे देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है यहाँ पे। सो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इसकी कर सकते हैं ट्यूसडे 8:00 से शाम 6 बजे से, यानी ये यस्टरडे से चालू हो गई है। और इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की फीस के साथ, जो कि मंडे रहेगी 9 मार्च 2359 आवर्स। टेंटेटिव डेट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो ये 29 मार्च को रहेगा, जो कि संडे है। कुछ यहाँ नोट दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है वो मॉयल की वेबसाइट है moyal.nic.in, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। और कैंडिडेट्स को एडवाइस करते हैं कि वो लास्ट डेट का वेट ना करें और जो भी आप एडवर्टीज़मेंट के इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले। यहाँ देखते हैं क्वालिफ़िकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। सो ग्रेजुएट ट्रेनी देखिए माइंस में, जो डिसिप्लिन है माइंस, और इसमें चाहिए बीटेक माइनिंग या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स चाहिए और बीटेक माइनिंग या इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरी है ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोसेस, जिसमें है केमिकल, मेटलर्जी, मिनरल प्रोसेसिंग। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो देखिए केमिकल में क्या चाहिए, बीटेक केमिकल चाहिए 60%, मेटलर्जी में बीटेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, मिनरल प्रोसेसिंग में चाहिए एमटेक इन मिनरल प्रोसेसिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स। आगे है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल, और इसमें ये जो डिसिप्लिन है मटेरियल है, इसमें चाहिए ग्रेजुएट इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट, और बाद में चाहिए MBA इन मटेरियल मैनेजमेंट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर्स फ्रॉम मटेरियल मैनेजमेंट, और इसमें भी 60% मार्क्स चाहिए। आगे है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, सो मार्केटिंग में देखिए क्या चाहिए आपको, MBA चाहिए फुल टाइम फॉरेन ट्रेड या फिर मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम PG इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉरेन ट्रेड 60% मार्क्स, या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद PG डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग फॉरेन ट्रेड विद 60% मार्क्स। आगे है मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए, बाद में MBA चाहिए, फाइनेंस मटेरियल मैनेजमेंट और मिनिमम 2 ईयर्स PG डिप्लोमा इन फाइनेंस मटेरियल मैनेजमेंट एंड 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स यहाँ रिक्वायरमेंट है। सो जो भी मैनेजमेंट की पोजिशन है वहाँ पर आपको BE के साथ MBA चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। आगे है मैनेजमेंट डिग्री पर्सनल वेलफेयर में, देखिए डिसिप्लिन पर्सनल है, इसमें देखिए PG डिग्री इन सोशल वर्क 60% मार्क्स, या फिर PG डिग्री डिप्लोमा इन IRPM मास्टर इन लेबर स्टडी 60% मार्क्स, या फिर MBA इन स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट HR HRD 60% मार्क्स, एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लॉ ग्रेजुएट। और जो आखिरी है ये मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, इसमें चाहिए CA ICWA CMA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ पर कोई परसेंटेज या क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। सो ये 60% मार्क्स दिया गया है, ये अनरिजर्व के लिए है, OBC के लिए है, PWD के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। जो SC ST कैंडिडेट्स है उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 55%।
और जहाँ पर परसेंटेज अवार्ड नहीं करते हैं, GPA, CGPA, CQPI है, तो उनको एग्जैक्ट इक्वेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जो यहाँ पर यह फॉर्मूला दिया गया है उसके हिसाब से। और जो परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है 60%, वो क्या होना चाहिए कि एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए सारे ईयर्स का, या सेमेस्टर का, या ट्राइमेस्टर का। तो यहाँ पर आपको एग्रीगेट चाहिए ईयर, सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर का, और आपको बाद में राउंडिंग ऑफ परसेंटेज है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। सो 60% मार्क्स होने चाहिए या उससे ऊपर होंगे तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। सो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है। सो 20 वैकेंसीज है यहाँ पर। सो टोटल हम अगर वैकेंसीज देखते हैं तो यहाँ पर टोटल 36 वैकेंसीज हैं, जिसमें ये ब्रेकअप दिया गया है। और ये आप देख लीजिए, जैसे माइनिंग में टोटल 10 है, पर्सनल में 6 है, फाइनेंस में 6 है, मार्केटिंग में 2 है, मटेरियल में 2 है, और यहाँ पर इस तरह से ये वैकेंसीज दी गई है। सो आप उसको देख सकते हैं किस कैटेगरी में आप आते हैं और आपके लिए कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। सेलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा गया है कि अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। टेस्ट सिटीज़ यहाँ पे दिया गया है, कहाँ कहाँ पे ये ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो पहला यहाँ पे बेंगलुरु है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, नागपुर। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम टेस्ट के लिए सेंटर दिया जाएगा और आपको दो सिटीज़ यहाँ पर डालनी है आपके प्रेफरेंस के अनुसार। सो यहाँ पे देखिए टेस्ट के बारे में है, ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा 90 मिनट्स का, और एक ही सेटिंग में देना है आपको, बीच में उठना नहीं है, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 85 मार्क्स के, जो कि आपका जनरल रीजनिंग पे रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा 20 मार्क्स का, एंड सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा 45 मार्क्स का, और क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी एंड इंग्लिश में रहेंगे। सो क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए यहाँ पर है, जनरल के लिए 50% मार्क्स रहेंगे ईच सेगमेंट में, और SC, ST, PWD, OBC के लिए 40% मार्क्स रहेगा ईच सेगमेंट के लिए। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं, अगर आप ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट क्लियर करते हैं तो 1:6 रेशियो में बुलाएंगे, यानी एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में देखिए यहाँ पर उसके बारे में दिया गया, जो आपको डेट एंड वेन्यू है वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपको ईमेल में भेज दिया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू 15 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह जो फाइनल लिस्ट होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो भी मोबाइल की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, और उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मोबाइल की वेबसाइट और उनके ईमेल आईडी पे भी भेज दी जाएगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, वो कंसोलिडेटेड मार्क्स रहेगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट की एंड पर्सनल इंटरव्यू की। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखिए, सो 100 रुपीज़ रहेगा किन के लिए, जनरल के लिए, और जो SC, ST, EWS, PWD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है, और फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड से ही करनी है, किसी और माध्यम से फ़ीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, और फ़ीस पेपर भरने के बाद वापस नहीं की जाएगी। अपर एज लिमिट देखते हैं, सो एज लिमिट देखिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट एज ऑन 9 मार्च 2020, ये जनरल के लिए है, और ये वेरियस कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में है, इसको आप देख सकते हैं। अदर डिटेल्स के लिए देखिए, सो इसमें अदर डिटेल्स में क्या आपकी सैलरी, कॉम्पनसेशन या पे रहेगा। सो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट ही जाएगी या मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट ही जाएगी, जो E2 ग्रेड के अंदर आता है, और उसका पे स्केल रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 का। सो इनिशियल बेसिक पे 50,000 रहेगा पर मंथ, और ट्रेनिंग करने के बाद आफ्टर 1 ईयर उनका E2 ग्रेड में दिया जाएगा, जिसका पे स्केल रहेगा 50,000 से 1,60,000, इनिशियल बेसिक 50,000 रहेगा ऑन प्रोबेशन फॉर 1 ईयर। इसके अलावा आपको बेसिक पे के अलावा आपको ये सब भी दिया जाएगा, DA, HRA, अलाउंसेस वगैरह भी रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें अलाउंसेस रहेगा। पोस्टिंग के बारे में है, तो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की माइंस में आपको पोस्ट किया जा सकता है, या फिर हेड ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है, या कोई और प्लेस जो कि कंपनी के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में है, इसको आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, तो आपको पहले एप्लीकेशन रजिस्टर करना है, उसके बाद फी पे करना है, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है, और ये आपकी डेट्स दी गई है, इस डेट्स के बीच में ही आपको अप्लाई करना है, और वो भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये स्कैन के बारे में है, तो इसको आप देख लीजिए।
तो ये एप्लीकेशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। कैसे कैसे रजिस्टर करना है उसको आप देख लीजिए। इसको मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में है, ऑनलाइन मोड है, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा करना है। गाइडलाइंस दी गई है कैसे स्कैन करना है, अपलोड करना है। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसे लेना है उसको, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है, प्रोसीजर दिया गया कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है उसके बारे में दिया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, जो कि वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं। अदर कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। ये स्कोर्स के बारे में, कैसे स्कोर्स इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में दिया गया है। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट मोटे मोटे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, ये भी जनरल पॉइंट्स हैं, इसको भी आप ज़रूर पढ़िए, बट वीडियो के माध्यम से हम इसको कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पीडीएफ है डॉक्यूमेंट, ये ख़त्म हो गया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए मॉयल लिमिटेड में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि ऐसी वैकेंसीज आई है और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो ख़त्म से करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।